अब देखिए 26 सितंबर को कांग्रेस नेता राहुल गांधी का हरियाणा दौरा है। बरवाला और असंध में राहुल गांधी चुनावी जनसभाएं करेंगे। हरियाणा की बागड़ बांगर बेल्ट पर कांग्रेस का फोकस रहेगा इस दौरान। बरवाला से हिसार की 7 सीटों को साधने की कोशिश होगी, तो वहीं असंध से करनाल की सभी 5 सीटों पर नजर रहेगी। 26 सितंबर को कांग्रेस नेता राहुल गांधी का हरियाणा दौरा अपने आप में बेहद अहम ये दौरा है, क्योंकि बरवाला और असंध में राहुल गांधी की चुनावी जनसभाएं जो हैं 26 सितंबर को रहेंगी, और कहीं ना कहीं बागड़ बांगर बेल्ट पर कांग्रेस का फोकस रहेगा। इसके साथ ही बरवाला से हिसार की 7 सीटें तो असंध से करनाल की सभी 5 सीटों पर नजर रहेगी। 26 सितंबर को असंध और बरवाला में विशाल जनसभा राहुल गांधी करने जा रहे हैं। बागड़ और बांगर बेल्ट पर विशेष फोकस रहेगा। बरवाला से हिसार जिले की 7 विधानसभा सीटों को साधने का प्रयास राहुल गांधी करेंगे। इसके अलावा बात असंध की करें तो असंध से करनाल की सभी 5 सीटों पर नजर जो है वो रहेगी। हुडा और शैलजा खेमे के बीच तालमेल बिठाने की कोशिश भी होगी ऐसा माना जा रहा है। राहुल गांधी का ये दौरा अपने आप में खास इसलिए हो जाता है क्योंकि एक दौरे से कई बातों को साधने की कोशिश जो है वो की जाएगी। ज्यादा जानकारी देने के लिए हिसार से मेरे सहयोगी अमित वर्मा मेरे साथ जुड़ गए हैं। अमित, 26 सितंबर को कांग्रेस नेता राहुल गांधी हरियाणा आ रहे हैं, बात अगर बरवाला की करें तो यहां से चुनावी जनसभा करेंगे, कहीं ना कहीं हिसार की 7 सीटों को साधने की कोशिश राहुल गांधी की तरफ से की जाएगी। जी बिल्कुल, कतार कतार के रूप में राहुल 26 सितंबर को बरवाला के अनाज मंडी में जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंच रहे हैं, जिसको देखते हुए 7 विधानसभाओं को वोटरों को लुभाने के लिए राहुल गांधी जनसभा को संबोधित करेंगे। क्योंकि पिछले चुनाव की बात करें, पिछले चुनाव में कांग्रेस का यहाँ पर 7 विधानसभाओं में से एक ही सीट यहाँ पर आदमपुर से कांग्रेस जीत पाई थी, लेकिन वो भी बाद में बीजेपी के चली गई। लेकिन बात किया जाए तो ओवरऑल में कांग्रेस की यहाँ पर सातों विधानसभा स्थिति काफी खराब होने के कारण अब राहुल गांधी खुद ही यहाँ पर जनता को संबोधित करने के लिए सभी स्थलों पहुंच रहे हैं। कैसे इंतजाम किए गए हैं, कार्यक्रम को लेकर क्या खास तैयारियां हैं? अभी कार्यक्रम की बात की जाए तो खास कार्यक्रम को लेकर आज से यहाँ पर तैयारियां शुरू हो गई है, क्योंकि जो टेंट का सामान है कुर्सियां है तो मैदान में अनाज मंडी पहुंचनी शुरू हो गई है। लगभग कल तक पूरा पंडाल सजकर तैयार हो जाएगा। सुरक्षा की बात की जाए तो लगभग 200 से ज्यादा पुलिस कर्मचारियों की यहाँ पर ड्यूटी लगाई जाएगी। और अमित, देखिए स्टार प्रचारकों की अगर बात करें तो कांग्रेस की तरफ से जिस तरह से खुद कांग्रेस नेता राहुल गांधी यहां पर चुनावी जनसभाएं करते हरियाणा में आगे भी नजर आएंगे, किस तरह से देखा जाए, बात भारतीय जनता पार्टी की करें कांग्रेस की करें, दोनों ही अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हुई हैं और तमाम जो स्टार प्रचारक हैं दोनों ही पार्टियों के वो भी चुनावी जनसभाएं करने में या यूं कहें उस मोड में नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, स्टार प्रचारकों की बात कहें तो स्टार प्रचार लगातार मैदान में आ रहे हैं। बात की जाए तो बीजेपी के सबसे ज्यादा स्टार प्रचार मैदान में आ रहे हैं, क्योंकि बात की जाए तो पिछले लगभग स्टेट कैबिनेट के अंदर भी इस हाल के अंदर काफी मंत्री आ चुके हैं। आज केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं और 28 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस हाल के अंदर जनसभाओं को संबोधित करेगी, जिस 7 विधानसभाओं पर फोकस रहेगा। क्योंकि बीजेपी ने पहले ही यहाँ पर प्रधानमंत्री का दौरा कर दिया और अब कल ही यहाँ पर कांग्रेस नेता के द्वारा यहाँ पर राहुल गांधी का दौरा तय किया गया, जिसे देखते हुए राहुल गांधी अब यहाँ पर वोटरों को लुभाने के लिए जनसभा को संबोधित करने के लिए परसों यानी 12 बजे यहाँ पर पहुंचेंगे, और जिसको लेकर कार्यकर्ताओं में काफी जोर है। क्योंकि जिस प्रकार के पिछले चुनाव की बात कांग्रेस का जो चुनाव हाल था बिल्कुल बेकार, बिल्कुल खराब था, और उसी स्थिति को सुधारने के लिए राहुल गांधी अब खुद मैदान में उतरे हैं और पहली बार राहुल गांधी इस हाल के दौरे पर आ रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो पहला दौरा है बेहद, अगर बात हिसार की करें तो इसलिए अपने आप में बेहद खास भी हो जाता है, कहीं ना कहीं हिसार की 7 सीटों को साधने का प्रयास यहां पर राहुल गांधी करेंगे। इसके अलावा असंध में भी चुनावी जनसभा जो है 26 सितंबर को राहुल गांधी की रहेगी।